लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hi, baby. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Mr. Sharma. अच्छा नहीं लगा? ए, अपनी मोहब्बत के सबूत तो लेती जाओ। ऐसे बहुत सबूत है मेरे पास, बहुत संभाल के रखे। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जी 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 डार्लिंग, ठीक है, मेरे और तुम्हारे संबंध अब पहले जैसे गहरे नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे लिए ब्लैकमेल जैसे काले शब्दों का इस्तेमाल करो। मैं तो चाहता था कलकत्ता जाने से पहले आज रात को तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाती, ताकि कम से कम मेरी एक बार तो। और अगर मैं ना आऊं तो? Very simple, तुम्हारी और मेरे मोहब्बत के सबूत तुम्हारे पति देव के पास चले जाएंगे। और फिर ये तुम्हारे भाई की शादी हो रही है ना, क्या मालूम हो कि ना हो? करुणा ने ठीक ही कहा था, तुम बहुत ही नीच और कमीने आदमी हो। मैं होटल जुनीक पे ठहरा हूं, ठीक 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। We'll be right back.
बर्फी के लिए पिस्ता दे दीजिए ना लोही को। चलो चलो चलो, इस कमबख्त हलवाई को भी सब चीजें हैं वक्त पर याद आ। कमला, अरे कमला, कमला तू इस वक्त यहाँ? हाँ करुणा, मुझे तुझसे कुछ कहना है अकेले में। विमला, लता तुम लोग दो मिनट के लिए इस कमरे में जाके बैठोगी, मुझे कुछ। होटल जाती हूँ तो डरती हूँ, न जाने वो क्या कर बैठे मेरे साथ, और नहीं जाती तो वो धमकी देकर गया है कि वो खत उनको दे देगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं उसके प्यार के जाल में फंस कर उसे खत लिख बैठी। हे भगवान, तू अपने भैया से क्यों बात नहीं करती? पागल हो गई है? तेरे मेरे सिवा किसी और को इसका पता चला तो मैं जहर खा लूंगी। मैं सच कहती हूँ करुणा, अगर उसने वो खत दीपक को दे दिए तो तुम्हारी सौगंध मैं आत्महत्या कर लूंगी। पगली, ऐसा नहीं सोचते तो फिर तू ही बताना मैं क्या करूं। तूने ही ब्रिज के बारे में मेरी आंखें खोली थी, तेरे ही कारण मैं अपनी इज्जत बचा सकी। अब तू मेरी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बोल करुणा, कुछ तो बोल। बारात यहाँ पहुंचने में कितनी देर है? घंटा भर। क्यों? यूनिक होटल आने जाने में 20 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेंगे। क्या मतलब? मैं तेरे खत वापस लाऊंगी। तो होटल जाएगी? हाँ, मुझे छूने की हिम्मत नहीं होगी उसमें। नहीं 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 करूँ ना। लेकिन यहाँ तेरी शादी जो है, लेकिन शादी करके जिस घर में जा रही हूँ उसे बदनामी से बचाना भी तो मेरा धर्म है। तेरे लौटने से पहले अगर बारात आ गई तो? मेरी किस्मत में अगर सुहागन बनना लिखा है तो बारात मेरा इंतजार करेगी, तू यहां संभाल लेना। करुणा, तुम जरा ठहरोगे? मेम साहब, अपने को बड़ी जल्दी है। 5 मिनट ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अच्छी बात है। डोंट वरी मैकमोहन जी, पूना पहुंचते घर बाद में जाऊंगा, पहले आपका काम। थैंक यू। ओके ओके, यू वेलकम। यस प्लीज। मिस्टर ब्रिजभूषण का रूम नंबर क्या है? ब्रिजभूषण 417 में है वो। थैंक यू। आइए, प्लीज कम इन। तो कमला ने आपको भेज दिया अपने बदले। वेरी गुड, क्या लेंगे आप? कमला के लेटर्स। लेटर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप पिएंगी क्या? ठंडा, गरम, सॉफ्ट ड्रिंक या? मुझे सिर्फ कमला के लेटर्स चाहिए। हे, आज आपकी शादी है ना? हाँ। और आप इस वक्त यहाँ आते हुए आपको डर नहीं लगा? सुना है कमला से बड़ी तारीफ की थी हमारी आपने, कि हम बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, वासना के भूखे भेड़िए हैं, की थी ना? मेरे पास वक्त बहुत कम है। और मैं इस वक्त को कभी हाथ से जाने नहीं देता। इंसाफ, उस वक्त तुम्हारी वजह से कमला मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन आज कमला की वजह से तुम मेरे हाथों में आ गई। वक्त ने हिसाब बराबर कर दिया। कहो तो
हम भी हिसाब बराबर कर लें। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हें कमला के लव लेटर्स चाहिए और मुझे इन लेटर्स की कीमत। क्या कीमत? शादी। क्या? उम्र भर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए। Shut up! ओफो, नाराज क्यों होती हो? मैं तो इनकी कीमत मांग रहा था। तुम नहीं दे सकती? ना सही। वैसे सोच लो, मेरे पास ग्राहक है इनका, कमला का पति। इतनी जल्दी भी क्या है मेम साहब? अब तो मैं अपनी कीमत पाकर ही छोड़ूंगा मेरी जान। बस 5 मिनट और ठहरो ना, लगता है पूरा शास्त्र आज ही समझा देगी करुणा को। प्राइवेट बातें कब तक चलेंगी भाई? बात खत्म हो जाएगी तो मैं दरवाजा खोल दूंगी ना। अच्छा भाई, चलो चलो, लगता है कहानी तो लंबी हो गई। जी 6 रुपये 40 पैसे। अरे छुट्टा नहीं है। कीप द चेंज। हैं? कीप द चेंज? बाबा नफा से तली, आज तो तुम्हारा दिन बड़ा अच्छा है भाई। करुणा, कमला, भगवान का शुक्र, ये ले अपने खत, जला देने। शराफत से दे दी उसने। वो कमीना शराफत से वापस करता? लेकिन मैंने भी उसे ऐसा सबक सिखाया है कि जिंदगी भर किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? परात आ रही है, चल मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवा महे प्रियानन्त्वा प्रियपति त्वा चावल डालिए
चलिए। अरे शक्कर डालना तो भूल गए। क्यों शक्कर जाया कर रहा दीपक, कमला की उंगली पकड़कर कॉफी में घुमा दो, मीठी हो जाएगी। कमला। हाँ आई आई। यार इस भूलने की बात पे एक जोक याद आया। मेरे जैसा एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचा, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है, हर बात फौरन भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये बीमारी कब से आपको? उसने कहा क्या कब से हो गए? हाँ हाँ। अरे भाई सुनिए, आप इस महफिल को बर्खास्त कीजिए, कुछ नई दुल्हन का ख्याल भी है या नहीं? अरे वाह, ओह आई एम वेरी सॉरी, हम तो भूल गए अपने यार की सुहाग रात है भाई। रात? इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं, इसे सुहाग दिन कहिए। बैठो बैठो, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गई होगी। मैं भी बहुत थक गया हूँ। लेकिन लेकिन ये तो सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? अरे तुम तो ऐसे सिमट कर बैठी हो जैसे किसी अजनबी की दुल्हन हो। ये हटाओ नहीं है घूंघट। क्यों, शादी से पहले तो हमसे प्रेम करते वक्त तुम्हें कोई शर्म नहीं आती थी? तब की बात और थी, विदाई के वक्त चाची ने कहा था नई नवेली दुल्हन को खुले मुंह नहीं बैठना चाहिए। मुझे क्या करने के लिए कहा था तुम्हारी चाची ने? वाह मैं क्यों बताऊं, तुम अपने चाचा से पूछ करो। चाचा से? अरे बाबा वो तो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनसे तो मैं कुछ भी नहीं पूछ सकता। हाँ मेरे मामा ने कुछ कहा था। क्या कहा था? हाँ उन्होंने कहा था भांजे सबसे पहले बड़े प्यार से नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा। तो फिर उठाओ ना, कब से घुटन हो रही है। जरा आंख से आंख तो मिलाइए। चाची ने कहा था कि बेशर्मों की तरह झट से आंखें न मिलाना अपने पति से। वैसे मेरे मामा ने भी इस समस्या के लिए कुछ कहा था। उन्होंने कहा था भांजे अगर नई नवेली दुल्हन आंख न मिला तो बड़े प्यार से उसका चेहरा उठाना और कहना हाय सदके जाओ और फिर झट से मुंह चूम लेना। लेकिन मेरे चाची ने ये नहीं कहा था। नहीं कहा? लेकिन मेरे मामा ने तो कहा था। लेकिन मेरे चाची ने ये नहीं कहा था। मौन रुको। लेकिन मेरे चाची ने नहीं कहा था। नहीं कहा था। अरे आज रात साहब इधर सोया ही नहीं। धमकी में होगा। ये सब रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जल्दी से नहा लो। अरे मुझे नहाने में 2 मिनट तो लगते हैं, जब तक तुम अपना मेकअप कर लेना। ये क्या कर रही हो? क्यों लिपस्टिक लगा रही हूँ? अरे यूं नकली तरीके से होंठ रंगने की क्या जरूरत है, मैं अभी लाल किए देता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम मोर देन सॉरी। कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन, मैं बाद में आ जाऊंगा। आइए ना पिताजी। कोई खास काम था? नहीं कोई खास काम तो नहीं।
ये काम करते वक्त दरवाजा तो बंद कर लिया होता? मैं वो क्या बैकिंग कर रहा था। क्या अपनी माँ से पूछ, स्वागरात के बाद दो दिन तक हम दोनों ने किसी की सूरत नहीं देखी और यहाँ तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे स्वागरात मना ही नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी नाश्ते के लिए आ जा। अब सुन, काम पूरा करके आना, जल्दी नहीं है कोई। चंद्रन, इसके फोटोग्राफ लो। महादेव, इस गिलास और दराज की उंगलियों के निशान। अच्छा, साहब ये पर्स। देवा, के साहब, डीसीपी साहब वाले। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर कामत, गुड मॉर्निंग। बहुत तरक्की कर रहा तुम्हारा इलाका, दो दिन में तीन खून। ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों का है सर, मेरी जुरिसडिक्शन में 5 सिनेमा है। इन 5 पिक्चरों में से 1 चोर की स्टोरी है और 2 डाकुओं की कहानियां और 2 मर्डर मिस्ट्री। कानून को तोड़ने के तरीके तो बताते हैं फिल्म वाले, अब तो पुलिस को भी बेवकूफ बनाने के तरीके बताने लगे। जी हाँ, और मुसीबत हमारी जान पे आती है। मैंने होटल मैनेजर को बुलाया है सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जाने वाला तो गया, उसकी खून की छींटे हमारे होटल के नाम पर क्यों पड़े? पूरी स्टाफ को समझा दीजिए कि मिस्टर ब्रिजभूषण एक न्यायती, शरीफ और इज्जतदार आदमी थे। यू फॉलो मी? यस। हाँ, पुलिस को इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके ओके। उषा, तेरे भैया ने ना तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है। कल शाम से उसके पीछे पड़े हैं। ये लो। नहीं बस, थैंक यू। अरे उषा, तेरे माथे पे सूजन कैसी? वो आंटी कल बाथरूम में पैर फिसल गया था। ओ विक्रम भैया, जरा प्लीज इधर आइए आप। आपको तो हमने डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं। लेकिन शादी कब कर रहे? शादी? ओ, उषा की शादी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कमला, तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तो जल्दी बता देना। मैं आपकी शादी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरी शादी? हाँ जी। यू मीन मेरी शादी? ये चांसेस बहुत कम है। क्यों? जब तक उषा के हाथ पीले नहीं हो जाते मैं मजबूर। देखा आपने, मेरी मजबूरी पर सारी दुनिया हंस रही है। हेलो, दिस इज कैलाश चंद्र स्पीकिंग। जी आनंद साहब हैं, डीपी साहब बात करना चाहते हैं। पहले मुझसे बात कराओ। सर, जज साहब। हाँ, कौन? भैया, भैया नमस्कार। भैया नमस्ते। नमस्ते, फरमाइए हुजूर, क्या हुक्म है? आज आप सैर करने नहीं गए? सैर कर दी ना तुमने बेवकूफ जैसी बात। अरे शादी वाले घर में कौन जल्दी उठ सकता है? तुम तो 11 बजे फूट गए और 3 बजे रात तक कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला। जी जी, आई नो आई नो। भैया आनंद घर पे है क्या? अच्छा, क्या बात है, बोलो। भैया दफ्तर में थोड़ा सा काम था, अगर वो आ जाता तो। उमेश, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, तुम्हें हवलदार होना चाहिए था। जी आई नो आई नो। व्हाट आई नो आई नो? वो हनीमून के लिए जा रहा और तुम इस दफ्तर के काम के लिए बुला रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे चाचा हो तुम? चुल्लू भर पानी सामने हो तो उसमें नाक डुबो लो। जी जी जी। हेलो हेलो भैया, शायद कट गया, दोबारा मिला। हेलो, आप कौन? मुन्ना, हम दादाजी बोल रहे हैं। कौन? छोटे दादाजी? आई नो आई नो। मुन्ना, अपने चाचा को बुलाओ। चाचा जी, चाचा जी, छोटे दादाजी का फोन है।
आया भी मत जा, मैं कह रहा हूँ मत जा, फंस जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। आई एम ग्लैड यू हैव कम। कल होटल यूनिक में खून हो गया और तुम्हारे साथी इंस्पेक्टरों में से बलसारा एकदम बीमार पड़ गया। बलसारा क्या हुआ सर? अपेंडिक्स, शायद ऑपरेशन करना पड़े। और वागले के बारे में तो तुम जानते ही हो, उसके पास पहले से ही बात कहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं सर, इस फाइल में वो सब रिपोर्ट्स हैं जो पुलिस को तहकीकात से मिली है, तुम इसे देख लो। फैसला मैं तब तक ये केस पढ़ता हूँ, तुम फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट और हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले आओ। हमें ऑन द स्पॉट इंक्वायरी के लिए होटल यूनिक जाना होगा। ओके बॉस। यार आनंद, मुझे कभी कभी तुम पर बड़ा रहम आता है। क्यों? अब देखो ना, वो तो सब ठीक है, लेकिन जरा तुम काम के ज्यादा ही मतवाले हो। जरा गौर फरमाइए, आप अगर ये केस आज नहीं लेते तो शाम को मून में बैठकर बड़े प्यार से शहद यानी हनी चाट रहे होते हैं। क्या मतलब? हुजूर, मैं आपके हनीमून की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट्स ले आओ। ओके, जल्दी जी। हाय करुणा। हाय। यू लुक वेरी क्यूट। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो करुणा जी। आनंद का है? बस अभी आती होंगी। साधुओं से आलाप भी कर लेता हूँ। अच्छा? साधुओं से आलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाप भी कर लेता हूँ। मानव से कहीं देव न बन जाऊं। देव का क्या मतलब? देवानंद। अरे देव यानी देवता। मानव से कहीं देव न बन जाऊं, ये सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूँ। कमाल है यार आनंद, खुद पार्टी दी और खुद ही लेट। सॉरी सॉरी। हेलो जी। हेलो। ये पुलिस वाले कभी ठीक वक्त पर नहीं आए, हमारी इतनी देर क्या लगा दी? सॉरी दीपक, एक अर्जेंट केस आ गया था। ऐसा कौन सा केस आ गया यार? कल रात होटल यूनिक में ब्रिजभूषण नाम के किसी आदमी का खून हो गया। कुछ पता चला खून किसने किया? अब तक तो यही पता चला है कि खूनी एक लड़की है। जमाना लड़कियों का है दोस्त, पहले नजरों से मारती थी, अब छुरी चाकू भी इस्तेमाल करने लगी। आनंद, कातिल का कोई अता पता चला या कोई पहचान? मुझको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल पे ईमान। गुड आइडिया, गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, बिल्कुल गाना पड़ेगा। मुझको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। मुझको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। नजरें झुका के बने कैसे अनजान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। ऐसे महफिल से उठ के ना जाओ, ऐसे महफिल से उठ के ना जाओ, पास बैठो जरा मुस्कुराओ। आज खुशियों की महफिल सजी है, कल हुआ जो उसे भूल जाओ। अरे भाई कल की क्या बात है? हुस्न की बात है ये, इश्क का राज है ये, जुल्फ की महकी महकी हर नजर बहकी बहकी। बहुत बेजार था दिल, शोला था आग था दिल, कोई आगोश में था मगर बेताब था दिल। फिजा खामोशियों की
दवा पे होशियों की किए जाती थी पागल, लगा था दिल से कातिल, लगा था दिल से कातिल, चेहरे से पर्दा हटा के रहूंगा, चेहरे से पर्दा हटा के रहूंगा, हुआ कत्ल कैसे बता के रहूंगा, बता के रहूंगा। जान लेने वाले की मुश्किल में जान है, भोला भाला चेहरा है दिल बेईमान है, भोला भाला चेहरा है दिल बेईमान है। आंखों में सुरूर है, देखो कैसे बन ठन के बैठे जनाब है, एक नहीं इनको तो सात खून माफ है, एक नहीं इनको तो सात खून माफ है, काजी और कानून इन पे मेहरबान है, भोला भाला चेहरा है दिल बेईमान है, भोला भाला चेहरा है दिल बेईमान है। अरे क्या बात है करुणा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कमला, फ्रिज मर गया। क्या? कब मरा? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? तेरे भैया से। ये केस उन्हीं के हाथों में। हे भगवान! और उन्हें ये भी पता चल गया कि खून किसी लड़की ने किया है। अब क्या होगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी करुणा। दीपक तो मुझे घर से निकाल देगा, और पिताजी, माँ, मुझे तो कोई नहीं अपनाएगा, मुझे तो कोई नहीं अपनाएगा करुणा। कमला, तुम मत रो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ? तो क्या तुम? हाँ, अगर पकड़ ली गई तो सब इल्जाम अपने सर ले लूंगी। नहीं करुणा, नहीं, कसूरवार तो मैं हूँ, वो खत मैंने लिखे थे, मेरे ही वजह से तुम होटल गई थी, मेरे ही। कमला, मैं इसलिए भी होटल गई थी कि तू मेरे होने वाले पति की बहन है, मेरे होने वाले ससुराल की बेटी है, तुझे उस बदमाश के चुंगल से बचाना मेरा धर्म था। जिस घर की इज्जत बचाने के लिए मैं ब्रिज के पास गई थी, अब अपनी ही जुबान खोलकर उस घर की इज्जत को धूल में मिलने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन मुंह नहीं खोलूं। करुणा, चल चले, शायद वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चली गई, इधर आओ ना। सुबह ही सुबह उठ के कहां चली जाती हो? बैठो, चाय बना दूं? चाय से पहले ग्लाइकोडिन की एक छोटी सी खुराक पिला दो। क्यों, गला खराब है? मुंह का स्वाद।
छोड़ो भी, कब से घंटे बज रही है। हेलो आनंद साहब हैं? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं असिस्टेंट मैनेजर शर्मा बोल रहा हूँ, होटल यूनिक से। किसका फोन है? होटल यूनिक से किसी शर्मा का फोन है। शर्मा का? हेलो शर्मा जी, अच्छा हुआ पुणे से लौट आए, आपके बिना हमारा केस दो दिन से आगे नहीं बढ़ रहा है। हुजूर आप ही तो है जो खूनी का हुलिया हमें बता सकते हैं। जी हाँ, उस लड़की को आपने देखा ही नहीं, उसके साथ बात भी की आपने। आपके साथ से पता चला है कि 24 मार्च की शाम को जिस दिन ये कत्ल हुआ, करीबन 8 बजे एक लड़की ने ब्रिजभूषण के बारे में आपसे कुछ पूछा था, याद है? गुड, फिर कहिए कब मिला जाए। आप मेरे घर आ जाइए। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, कुछ मेहमान हमारे घर से जा रहे हैं। एक काम करते हैं, आज आप दिन भर होटल में ही है ना, तो मैं करीबन 11 बजे वहां पहुंच जाता हूं। ओके ओके जी, थैंक यू। ये क्या किया तुमने? अच्छा भाभी, इन आनंद साहब को जरा काबू में रखना, पुलिस वालों को घर में ज्यादा रोप डालने की कुछ आदत ही होती है। चलो मैं भी चलता हूँ, रास्ते में उतर जाऊंगा। करुणा, करुणा, सारी मुसीबतें अकेली झेलने के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बेबस हूँ करुणा, नहीं तो तुम्हें सुलझन में कभी छोड़कर ना जाती। अरे चलो भाई, देर हो रही है। देखो अपना ख्याल रखना, चलो। बिजनेस ही ऐसा है, इस लाइन में आंख और दिमाग दोनों तेज होनी चाहिए। अपने केस में जो बात नजरों के दरवाजे से अंदर गई, दिमाग के कमरे में जाके बंद। अच्छा, अब आपसे तो अभी भी मुलाकात हुई है ना? हाँ। लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपकी जुराबे ब्राउन है और आपके जूते ब्लैक।
अरे कमाल है। और आप दाएं हाथ के मुकाबले में बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये आपने कैसे नोटिस किया? होटल में दाखिल होते ही सिगरेट पैकेट आपने बाएं हाथ से निकाला, माचिस बाएं हाथ से जलाई, और देखिए आप कुर्सी भी बाएं हाथ से खींच रहे हैं। मिस्टर शर्मा, यू आर जस्ट फैंटास्टिक। ऐसी याददाश्त है आपकी, तो उस रात वाली लड़की की शक्ल आपको अच्छी तरह याद होगी। जी बिल्कुल, मैं पूरा नक्शा खींच सकता हूँ। जैसे ही वो लड़की टैक्सी से उतरी। टैक्सी? जी हाँ। तो फिर उस टैक्सी का नंबर भी आपको याद होगा? आई एम सॉरी, टैक्सी का नंबर तो आंखों के सामने आया ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, वो टैक्सी फियट। फियट कौन सा मॉडल? प्रीमियर प्रेसिडेंट सफारी मॉडल थी। कट कर कर, फिर तो उस टैक्सी को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, मुझे शहर की सब सफारी टैक्सियों के नंबर और उनके मालिकों के पते चाहिए। ठीक है, आप कल आ जाना, आज काम बहुत है। कल? नहीं देखिए, बहुत जरूरी काम है। बोल दिया ना, टाइम नहीं है। मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा है। जी, कमिश्नर साहब ने। तो क्या आप भी मेरी तरह? कभी 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 कभी। तो आपका काम पहले देखिए। थैंक यू। नेक्स्ट 40 हिंदी 47 M R T T 2 8 3 4 4 नाम कृष्णकांत, केवल किशन किशन कैरोफ, कुलवीर सिंह सिंह कोयले वाला कोयले वाले कोली वाला कोली वाला और दे, दे, नहीं है नहीं है। थैंक यू वेरी मच काली शरण जी, आपकी कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मेरी तरह दे, 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 नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी हमदर्दी के लिए कर रहा था, मैं वो नहीं हूँ। गुड बाय। सीआईडी इंस्पेक्टर है, कॉपी मारता है। भाई, ये टैक्सी वाले नफासत अली साहब का घर कहाँ है? यही तो है। ये नफासत अली, अगर लड़की तुम्हारे सामने आ जाए तुम पहचान लोगे? हाँ साहब, जरूर पहचान लूंगा। लेकिन उस लड़की ने किया क्या है? कोई खास बात नहीं, सिर्फ एक आदमी का खून किया है। ओह, हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रखेगा। ये खत उस रात टैक्सी में पड़ा मिला था, ये उसी लड़की का होना चाहिए साहब। अरे, इस पर भी वही की? देखिए, करेक्ट, वही के मेरे, सिर्फ मेरे ब्रिज। ब्रिज मतलब नफासत अली उसी लड़की का जिक्र कर रहा है जो साथ होटल गई थी। हमें क्या पता था साहब कि खूनी लड़कियां भी इश्किया खत लिखती है। ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, पढ़ो। मेरे, सिर्फ मेरे ब्रिज, ये खत नहीं, नहीं ये स्याही से लिखे शब्द हैं, ये तो मेरी सांसें हैं जो तुम्हारा नाम लेते लेते इस कागज पर उतर आई हैं। इसका मतलब ये हुआ, लड़की अपने ऐसे खत ब्रिज से वापस लेने गई होगी। क्या बात करते हो, जब वो प्यार करती थी तो उसे खत वापस लाने की क्या जरूरत थी, और फिर अपने ही प्रेमी का खून क्यों करेगी वो? इसलिए कि जब खत लिखे थे उस वक्त वो उसे प्यार करती होगी, और अब वो ब्रिज के बजाय किसी और से प्यार करने लगी होगी। यू आर राइट,
अब ब्रिज वो खत वापस नहीं देना चाहता होगा, इसलिए लड़की ने धोखे से उसका फोन कर दिया। यह है वो जोशी लेन का नाका, यहीं से उसने टैक्सी ली थी और यहीं आके छोड़ दी। किस तरफ गई थी वो? ये पता नहीं साहब किस तरफ गई थी। अब उस लड़की का मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं। क्यों? वो तुम्हारी साली है। क्या? अरे भाई, इसी मोहल्ले में तुम्हारी शादी हुई ना, तो तुम इस मोहल्ले के दामाद हुए और इस मोहल्ले की तमाम जवान लड़कियां तुम्हारी सालियां हुई। अच्छा हुआ याद दिला दिया, मुझे भी वहां जाना था। आओ हो चले। नहीं भाई नहीं, ससुराल में सेवा कराने का हक सिर्फ तुम्हारा है। मैं नफाज अली साहब को दफ्तर ले जाता हूँ, इनका बयान नोट करता हूँ। ओके चलिए। अच्छा सलाम साहब, सलाम। अरे चलो यार चलो। अरे बेटी तुम ही आकर चाय पी लो ना। मैं यही पी रही हूँ पिताजी, सफर के लिए खाना भी तो तैयार करना है। रामू काका पे छोड़ दिया तो आपकी ट्रेन छोड़ जाएगी। इसकी माँ के देहांत के बाद मैं इसी के सहारे जी रहा था, अब ये चली गई है तो ये घर सूना सूना लगता है, यहाँ रहने को दिल नहीं करता। आप पहले हरिद्वार जा रहे हैं? हाँ बेटे, अब तो जो भी वक्त तीर्थ यात्रा और भगवान की याद में गुजर जाए वही अच्छा है। खैर तुम सुनाओ, कब छुट्टी मिल रही है तुम्हें? और हाँ, तुम्हारा वो केस खत्म हुआ या नहीं? अब तो खत्म ही हुआ समझ लीजिए, आज मुझे एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। अच्छा जी, ये देखिए, ये खत उसी खूनी लड़की का है जो भूल से उस टैक्सी में गिर गया था जिसमें बैठकर वो होटल से अपने घर आई थी। पिताजी हमें पूरा यकीन है उसका ये प्रेम पत्र बहुत जल्द हमें उस लड़की तक पहुंचा देगा। प्यारी करुणा, जब से यहां आई हूं तेरी कोई खबर नहीं मिली, ये सोचकर मन को धीरज दे लेती हूं कि पत्र नहीं आया तो वहां सब अच्छा ही होगा। आप बस भी करो, इतना लंबा चौड़ा क्या लिख रही हो अपने भाभी को? बस अभी खत्म करती हूँ। सच मान, मेरा ध्यान तो तेरे ही तरफ लगा है। आज जब सोचती हूँ तो अपने आप को बहुत कोसती हूँ, क्यों मैंने तुम्हें होटल जाने दिया। भगवान करे भैया का ये केस कभी कभी न सुलझे और ऐसे ही बंद हो जाए। बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी कमला। लीजिए आपकी डाक। अरे ये तो कमला का खत है। अरे कमाल है, पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी होके इतना डर गई तुम? अच्छा कमला का खत इनके हाथ आ गया और ये उसकी लिखाई पहचान गए तो? दो कार फॉर सेल। तुम्हें पता है माझी और पिताजी मुन्ना को लेकर मेहरा साहब के आ गए हैं। अच्छा जी तो बाजार गया है सब्जी लाने। अच्छा शंकर की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है शंकर की तबीयत। अच्छा हाँ कमाल है, थके मांदे आए हो ऑफिस से और अभी डाक लेकर बैठ गए। चलो चलो ऊपर चलो। एक मिनट देख तो लूं कोई काम की चिट्ठी है तो। Come on.
किसको मिले न छुट्टी, कैसे सजी आसें मेरी। क्या धक्केबाजी हो रही है साहब? ये वही राणाटे है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। ओहो अन्नदाता, तू इनको जयमाला पहनाओ भाई। ये लो, आप मंदिर चलिए अन्नदाता, मैं अभी आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। श्रीकांत, इनकी पूजा की तैयारी करो। नरमी से, नरमी से श्रीकांत। आप अंदर चलिए, आपकी वहाँ हजामत होती है। हाँ हाँ हाँ, तू निकल गया श्रीकांत, यू विल डेफिनेटली गो अप। ये देखो, ये है वो जोशी लेन का नाका जहां से उस लड़की ने टैक्सी पकड़ी थी। जहां वो उतरी भी थी। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की का घर ज्यादा से ज्यादा इस एक मील के एरिया में होगा। करेक्ट। यानी हमारी अन्नपूर्णा इस दायरे में रहती है, और जैसे हमने उसे ढूंढ निकाला, मैं इंस्पेक्टर और तुम असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सर। इसके लिए हमें इस इलाके का एक एक घर चेक करना होगा। के नाम की जितनी भी लड़कियां इस इलाके में रहती हैं या कत्ल की रात को इस इलाके में थी, सबसे पहले उन सब की लिस्ट बनानी होगी। मर गए। नहीं यार, आपकी बारी, अपन से काम नहीं होगा। क्यों? अरे वो टैक्सी वाले को तलाश करते करते मेरा दम निकल चुका है। आपकी बारी, काम किसी और को दे दो भाई। फिर तरक्की भी किसी और को दे दूंगा। हाँ हाँ दे दे यार, मैं तुम्हारा कोई साला दोस्त थोड़ा हूं, दुश्मन हूं दुश्मन। चलो बोलो। के नाम की लड़कियों की लिस्ट बनानी है। राइट। उसके बाद उनकी लिस्ट बनानी है जो शर्मा और नफासत अली की शनाख्त पर पूरी उतरे। करेक्ट। यानी उम्र 18 से 25 साल, लड़की खूबसूरत, रंग गोरा चिट्टा, कद दरमियाना। एब्सोल्युटली राइट। क्या एब्सोल्युटली राइट यार, इस इलाके में कम से कम 22,500 मकान होंगे, और उनकी लिस्ट बनाते बनाते कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने टाइम तो लगेगा, सोच लो। अगर इंस्पेक्टर बनना है, बन जाऊंगा, लग रहा मैं बन जाऊंगा इंस्पेक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर द एडवाइस। मुन्ने जरा यहां आके मुझे किताबें पकड़ाना। तो ए छोटे जज साहब, मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, दादाजी की अनक वहां रख के मुझे किताबें पकड़ाओ। इस घर में मुझे कोई पढ़ने भी नहीं देता। ठीक से रखना चाची, नहीं तो दादाजी आते ही चिल्लाएंगे। मुन्ने तुमने फिर किताबों को छेड़ा। बदमाश कहीं का, मेरी नकल करता है। तुम क्या कर रही थी बहू? कुछ नहीं पिताजी, बड़ी धूल जमी हुई थी। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी। घर में आते ही लक्ष्मी लक्ष्मी चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो तो तुम्हारी बहू क्या कर रही है। क्या कर रही है? ये देखो, मैं कहता हूं तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी सास ने तुम्हें पलंग पर 1 साल तक नीचे नहीं उतरने दिया, और ये देखो बहू की शादी का 1 महीना भी नहीं हुआ, क्या करा रही हो तुम? मैंने तो नहीं कहा था इससे। नहीं पिताजी, मन नहीं लग रहा था, सोचा थोड़ी सफाई ही कर डालूं। मेरा भी मन नहीं लग रहा था दादाजी। मैं समझ गया तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा था। नॉनसेंस, तुमसे कितनी बार कहा है कि असेंबली क्वेश्चंस को टॉप प्रायोरिटी दो, इस पे लाल स्लिप क्यों नहीं लगे? अच्छा लातो साहब, लक्ष्य ठेवन काम के ना पाजे। बरे साहब। डिप्टी कमिश्नर सियारी। किस बेवकूफ ने तुम्हें डीसी बनाया? जी भैया। हाँ भैया मैं हूँ, तुम डीसी नहीं हवलदार हो। तुम्हारी हमाकत की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती जानते हो? स्लिप लावली साहब। जी मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। आई नो। व्हाट आई नो? तुम कुछ नहीं जानते, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाक पोंछना नहीं आया तुम्हें। जी स्लिप लावली साहब, ठेऊ रख दो। क्या मैं टेलीफोन रख दूं? नहीं भाई साहब, मैं तो कह रहा था आपने कुछ कह रहे ठीक कह रहे हैं। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो फौरन आनंद को घर भेज दो, उससे कहो कि करुणा की तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे तुम पूछते हो क्या हुआ उसे? एक तुम दोनों को तुमने हनीमून पर जाने नहीं दिया, और दूसरे दिन रात आनंद को काम पर लगाए रखते हो। अरे मैं तुम्हें डिमोट करके हवलदार बना देता अगर मेरा बस चलता तो। आई नो, थैंक यू सर, मैं अभी आनंद को भेज देता हूँ। भेज दो उसे। आनंद आ गया? आनंद तेरे यहाँ मेरे दफ्तर में। ले जाएंगे
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम न सता मुन्ने, चाची को न सता। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जा बेटे, बाहर जाकर चला ना। ले जाएंगे ले जाएंगे स्कूटर वाले दादी को ले जाएंगे। इसका बाप भी ऐसा ही था बहू, मेजर बन गया था, लेकिन हरकतें जज साहब की तरह, बिल्कुल बच्चों जैसी। छुट्टियों में जब भी घर आता था, खुशियों की झोलियां भर लाता था। बड़ी बहू इसी तरह हर शाम कंघी लेकर बैठ जाती थी, सर में सफेद बाल देखती खींच लेती, कहती माजी आप मेरी सास नहीं, बड़ी बहन के समान है। बेचारी मुन्ने को जन्म देते ही चल बसी। अगले दिन ही मिलिट्री से भी तार आ गए, बस मौत की खबर ही मिली। दो दिन में जैसे मैं 20 साल बूढ़ी हो गई। ये भगवान भी कितना निर्दयी है, भला इस तो बच्चे का क्या दोष था, जो न मां की सूरत देख सका न बाप की। बिटिया रानी आओ। रामू काका। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बिटिया के कुछ कपड़े रह गए थे, वही लाया हूँ। और बाबूजी ने जाते वक्त बिटिया के नाम एक चिट्ठी दी थी। बेटी तू कपड़े संभाल ले, मैं जरा मुन्ने को देखती हूँ। जीतू भैया। हाँ जी। रामू काका को चाय पिलाओ। अच्छा आओ रामू दादा आओ, हम पहले तो का ठंडा पानी पियाई थी, फिर गरम गरम चा। चलो गए ना जी। चोरी चोरी क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो धोबी के कपड़े। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। क्या? वही जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। लाओ तो। इसकी बात कौन कर रहा है? मैं तो उस चीज की इधर देखो, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी ब्लाउज से सर निकालने की कोशिश कर रही है। हटो, तुम तो दिन देखते हो ना रात। ये चिट्ठी किसकी है? ओ ये पिताजी की है, लो पढ़ो। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले साड़ी उतारो। कैसी बातें करते हो? चलो चलो जल्दी करो, साड़ी उतारो। लेकिन ये सब कैसे? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। कितना अच्छा रंग है। अब इस गोरे अंग पे ये रंग कैसा जमता है जरा दिखा दो। कैसी लगती हूँ? कैसी लगती हूँ? कैसी लगती हूँ? मुन्ना ये शॉल मुझे दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुन्ना मत डरा, दे दो मुन्ना। मुन्ना अरे समझ दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चाचा पकड़ो, चाचा पकड़ो। अरे चाचा मेरे को नहीं, इसको शॉल को पकड़ो। चाचा शाबाश, नहीं देना चाचा, नहीं देना। अच्छा अच्छा शाबाश चाचा, नहीं देना। चाचा पकड़े देना, नहीं देना चाचा, पकड़े देना, पकड़े देना चाचा, पकड़े देना चाची, चाची को नहीं देना। छोड़ो ना शॉल। यहाँ शॉल किसको चाहिए? हमें तो शॉल वाली चाहिए। हाँ हमें भी शॉल वाली चाहिए। देखो मुन्ने, नीचे बड़ी माँ तुम्हें बुला रही है, जा। मुझे नहीं चाचा जी, बड़ी माँ ने तो आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा था। चलिए
लिख रहा हूँ भाई, बस एक मिनट। ये के नाम की कुल मिलाकर 11 लड़कियां हैं जिन पर शक किया जा सकता है। सिर्फ 11? सिर्फ। मतलब लड़की हमारी मुट्ठी में? ये लिस्ट है, इनमें से पहली 3 लड़कियां शहर से बाहर गई हैं। उनको खबर कर दी गई, जैसे ही लौट कर आएंगी उनको इंटरोगेट कर लेंगे। बाकी 8 में से 11 नंबर वाली को भी छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एलिबी बड़ी स्ट्रांग है। जिस वक्त होटल में खून हुआ उस वक्त इसकी शादी हो रही थी। जी हाँ, एक घनचक्कर CID इंस्पेक्टर से। जानते हुए भी करुणा का नाम क्यों लिखा? इस डर से कि कहीं बाद में तुम सवाल न कर बैठो कि मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिखा। अच्छा, जैसे ये 3 लड़कियां वापस आ जाए इन 10 को शर्मा जी से आइडेंटिफाई करवा लेना। ओके। और ये 11 नंबर वाली लड़की को मैं खुद इंटरोगेट करूंगा। क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा। ओ, तो आप भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं? क्यों नहीं, तुम्हारी सोहबत का कुछ तो असर होगा। गुड गुड, वेरी गुड, लग रहा है। लेकिन कहीं भाभी सीरियस नहीं हो जाए? मैं मना लूंगा। ऑल द बेस्ट। कह दिया ना, मैं किसी ब्रिजभूषण को नहीं जानती, न जानती थी न जानती हूँ। अच्छी तरह याद करो, वो तुम्हारा प्रेमी था और तुम भी उसे प्यार करती। ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन क्या करें, CID वाला हो, पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। और फिर हमें तुमसे एक शिकायत है, सख्त शिकायत। तुमने हमें वैसे एक भी प्यार भरा खत नहीं लिखा जैसा ब्रिज को। ये झूठ है, ये झूठ है। अच्छा एक बात बताओ, शादी तुमने अपने मर्जी से की थी या किसी मजबूरी से, या फिर ब्रिज के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया था इसलिए? मैंने कह दिया ना, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था। मैं तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चलो मान लिया उसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था। बस शादी कब हुई थी तुम्हारी? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? अरे हाँ, मैं भी तो था वहां पर। 24 मार्च को हुई थी ना? ब्रिज का खून भी तो उसी रात को हुआ था। कितने बजे हुई थी शादी तुम्हारी? शायद 10 बजे। हाँ 10 बजे। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून भी रात को 8 और 9 के दरमियान हुआ था। इसका मतलब यह है कि खून करने के बाद भी तुम लगन मंडप में आकर बैठ सकती थी। अब तुम कहोगे ये खून मैंने नहीं किया, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, 24 मार्च की रात को होटल यूनिक में तुम क्या कर रही थी? और वक्त भी ठीक 8 बजे का था जब मेरे एक दोस्त ने तुम्हें लिफ्ट पे चढ़ते हुए देखा। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने ही। करुणा, क्या हुआ? करुणा, 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 क्या हुआ? तू मजाक कर रहा था। करुणा, जीतो, जीतो, शंकर, hey।
आइए आनंद साहब। फेरी शर्मा जी, कौन से नंबर की लड़की? इनमें वो लड़की नहीं है मिस्टर। ये क्या कह रहे हैं आप? आर यू श्योर? जी हाँ, वो इनमें नहीं है। शर्मा जी, एक बार चलकर फिर से देख लीजिए, लड़की इन्हीं में से एक होनी चाहिए। जी नहीं विक्रम साहब, आप इनको भेज सकते हैं। अच्छा तो मैं चलूं? थैंक यू। ऐसा लगता है ये लड़की जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चला गया। जोशी लेन के नाके से टैक्सी लेना और वहीं छोड़ना, सब पुलिस को धोखा देने के लिए था। अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता। नहीं आना, मैंने फैसला किया है इस केस पर और वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। इसे क्लोज करके डॉर्मेंट फाइल में डाल दो। लेकिन सर ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। आप मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, वरना मेरे कैरियर पे हमेशा के लिए धब्बा लग जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ तुमने इस केस पर बहुत मेहनत की। मेहनत? सर इस केस के लिए मैंने अपने घर वालों की नाराजगी मोड़ ली, करुणा का दिल दुखाया, अपनी खुशियां कुर्बान की, और अब जब मैं अपनी मंजिल के करीब आ चुका हूँ। Don't be so damn serious about this case. मैं जानता हूं तुमने इस पर बहुत मेहनत की। मेरे रिमार्क्स पढ़ लो, तुम पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। केस बंद होगा सर तो ब्लेम आएगा ही। डिपार्टमेंट इसे मेरी नाकामयाबी कहेगा, मेरी हार। कैसी हार? बेटे हारता तो वो है जो हिम्मत हार दे। यहां तो तुम्हारी लगन और मेहनत से खुश होकर तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लेकिन सर इस केस को बंद मत कीजिए, थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। देखो बेटे, अगर बड़ा आदमी बनना है तो हार और जीत दोनों को मुस्कुराकर गले लगाना सीखो। कौन जाने इस केस को बंद करने में तुम्हारी कोई भलाई हो। सुनो, तुम बंबई से बाहर जाने की तैयारी करो। उस केस की वजह से मैं एक और केस को 4 महीने से टालता आ रहा हूं। कौन सा केस? तुम्हारी पत्नी करुणा का केस। जी। छुट्टी सैंक्शन कर दी है मैंने। और हाँ, चलो हवाई जहाज के 2 टिकट मेरी तरफ से तुम्हारे हनीमून ट्रिप के लिए। जीरा मैन, आई हैव अ गुड टाइम। ऑन मैन, ऐसी सूरत लेके घर जाओगे तो करुणा समझेगी कहीं से पिटके चले आ रहे। कम ऑन। हेलो। हेलो भाभी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस, आपकी तरक्की हो गई है। मेरी तरक्की? जी हाँ, आपके मियाँ असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हो गए। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, क्या लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है? कोई तो बात है। कहो क्या राज है? कोई तो राज है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे गुलाब। कहो क्या बात है? कोई तो बात है। कहो क्या राज है? कोई तो राज है। कौन सी है
खुशी थी। नहीं कहूंगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूंगी। हम दम होके हमसे छुपाओ क्या है खुशी की बात। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार, हंसती आंचल में भर के बाहर। कहो क्या बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। आप क्या जाने आपकी खुशियां हम पे चले हमारी लक्ष्मीचंद का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बन गया है। अरे खाना पीना तो सभी करते हैं, कुछ बैंड बजे, कुछ ताल बजे। विक्रम एक कवाले का आइटम जरूर रखना, वो भी खालिस लड़कियों की। खालिस का मतलब होगा? अरे वो घी होता ना खालिस और वनस्पति, वैसे वो अपने को पता है। आइटम क्या होगा क्या नहीं होगा ये जरा सस्पेंस। ठीक है, लेकिन एक कवाली का आइटम जरूर रखना। अब हमें तो लूट लिया, अरे मिल के हुस्न वालों ने गोरे गोरे गाले। अरे तेरी आंखें नहीं शमशीर है। ये है वो हॉल जो हमने पार्टी के लिए इंगेज किया है। पास ही में एक छोटा सा हॉल है जहां पर खाने का इंतजाम करना होगा। सारा बंदोबस्त ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए विक्रम साहब, आनंद साहब की पार्टी में कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगी। वेरी गुड। अच्छा पार्टी है कब भाई? आनंद और भाभी कश्मीर गए हुए हैं अपने डिलेड हनीमून के लिए। वो होटल में मर्डर केस हो गया था ना, उसकी वजह से पहले नहीं जा सके। वो कब आ रहे हैं? शनिवार को, और ये पार्टी इतवार की शाम को 8 बजे होगी। इतवार की शाम को 8 बजे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जानते हैं शाम की यह खूबसूरत महफिल रिटायर्ड जज श्री कैलाश चंद के सुपुत्र जस्ट रिटायर्ड कश्मीर श्री आनंद चंद्र के जस्ट रिटर्न फ्रॉम कश्मीर श्री आनंद चंद्र, उनके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाने की खुशी में यह महफिल जमाई गई है। हमें उम्मीद है कि अगले साल उनके परिवार में एक छोटे से, एक नन्हे से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के आने की खुशी में हम ये खूबसूरत महफिल फिर से जमाएंगे। सो लेडीज जेंटलमैन एंड पुलिसमैन, आज के शाम का खास आइटम है बीवियां। अच्छा, पुलिस वालों की बीवियां, तो देखिए और सुनिए रोना पुलिस वालों की बीवियों का। ये बात छुपी थी जो आज लबों पे आई, सैया के संग नाता जोड़ के
मैं कमिन सर। यस। ओ शर्मा जी आइए आइए। माफ कीजिए कल रात मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर सका। बैठिए। कोई बिलबिल की बात है क्या? जी बिलबिल की किसको फिक्र है जी, मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। वो लड़की मिल गई। कौन सी लड़की? जी वही, हमारे होटल के मर्डर केस वाली। वो लड़की मिल गई। तो फिर सुनिए दिल थाम कर, उस लड़की को मैंने कल शाम देखा आपकी पार्टी में। हमारी पार्टी में? जी हाँ। क्या नाम है उसका? वो सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से मैं आपको उसकी पूरी तस्वीर खींच देता हूं। वही गोरा रंग, वही मोटी मोटी आंखें, चेहरा बदन, कानों में ये लंबे लंबे झुमके, मैचिंग जड़ाऊ नेकलेस और नाक में हीरे की लौंग। साड़ी कौन से कलर की थी? साड़ी नहीं जनाब, सफेद रंग का गरारा सूट था। आह क्या लग रही थी। जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? वो मेरी बीवी। जी आपकी बीवी? यस। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि वही नहीं, लेकिन वो आपकी बीवी है। फिर वो नहीं हो सकती। नहीं वो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही हो। आई एम सॉरी। गेट आउट। जी बड़े दिन लगा दिए कानपुर में। हाँ भाभी, मौसी के पास तो मैं सिर्फ 15 दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जाके मेरी तबीयत ही कुछ खराब हो गई। उषा ये जरा फोन तो देखना, सुबह से रॉन्ग नंबर। ये बॉम्बे के फोन भी बस। हेलो करो ना। कौन? आनंद भैया नमस्ते, मैं उषा बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? हाँ एक मिनट बुला देती हूँ। भाभी तुम्हारा रॉन्ग नंबर। हेलो करो ना, पिक्चर देखने चलोगी? पिक्चर? क्या बात है, आज ऑफिस में कोई काम वाम नहीं है जो हमारा ख्याल आ गया। चलोगी ना? और देखो उषा को भी साथ ले लेना, मैं ठीक 3 बजे पहुंच जाऊंगा। लो अभी ये क्यों ठंडी सांस से भरने लगी? भाभी जरा भैया के पास होके बैठ जाओ, लगता है इंजन ठंडा हो गया। अरे मैं तो गाड़ी की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से टैक्सी पकड़ ले। चलो आनंद भैया, आज आप पिक्चर दिल से नहीं दिखा रहे हैं, जब शुरुआत ही ऐसी है तो पिक्चर भी बंडल होगी। पिक्चर अच्छी हो या बंडल, मुझे तो जरूर देखनी। वो रही टैक्सी। हलिया साहब, चंदन सिनेमा। चंदन सिनेमा? अच्छा साहब।
चाह में आता। पहचाना? बिल्कुल साहब। कौन सी? लाल साड़ी वाली। तुमने ठीक से देखा? बिल्कुल, वो शाम को मैंने बराबर गौर से उन्हें देखा था। अरे जो पैसेंजर 6.40 के भाड़े पर 10 रुपया दे जाया, ऐसा पैसेंजर रोज रोज नहीं मिलता साहब। आनंद, ये लिखाई बिल्कुल मेल नहीं खा रही। भाभी की हैंडराइटिंग से इस खत की हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है। मैं देख चुका हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कमाल कर रहे हो यार, भाभी निर्दोष साबित होती हैं, शर्मा और नफाज अली की शनाख्त झूठी साबित होती है, और तुम कहते हो क्या फर्क पड़ता? मैं पूछता हूँ, इतनी लड़कियां थी हमारी पार्टी में, लेकिन शर्मा ने करुणा की तरफ क्यों उंगली उठाई? उसी को क्यों पहचाना? नफाज अली ने उषा के बारे में क्यों नहीं कहा कि ये वही लड़की है? लेकिन ये लिखाई, ये खत जो हमें टैक्सी में मिला है, ये भाभी का लिखा हुआ नहीं है। खत किसी और से भी तो लिखवाए जा सकते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? इसमें पागल होने की क्या बात है? बार बार उसकी घबराहट, उसकी परेशानी जो मैंने देखी है विक्रम, वो तुमने नहीं देखी। उस वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज अगर हम मान लें कि ब्रिजभूषण का खून उसी ने किया है, तो उसकी तमाम घबराहट, उसकी तमाम परेशानी का सबब हमारी समझ में आ जाता है। और विक्रम, अगर वाकई उसने खून किया है, तो एक ही वक्त में उसने दो आदमियों को धोखा दिया। कुछ देर पहले वो अपने एक प्रेमी का खून करती है, और कुछ देर बाद उन्हीं खून रंगे हाथों से अपने दूसरे प्रेमी के गले में वरमाला पहनाती है, अपने पति को महीनों अंधेरे में रखती है। जरा सोचो विक्रम, जो लड़की इतनी चालाक, इतनी होशियार हो सकती है, क्या वो अपने प्रेम पत्र किसी और से नहीं लिखवा सकती? एक बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती? अगर वो खत किसी दूसरे के लिखे हुए थे, तो उन खतों से भाभी को क्या खतरा था? उन्हें अपनी शादी की रात होटल जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पक्का पता है वो सिर्फ अपने खत वापस लेने गई थी? हो सकता है उन खतों के साथ कोई और चीज हो जिसे उसको खतरा हो, कोई फोटोग्राफ्स हो, कोई और सबूत। मेरी समझ में नहीं आता तुम इस पूरे केस को उल्टे ढंग से क्यों देख रहे हो। तुमको हो क्या गया आनंद? जिसे प्यार करते हो उसी को तबाह करने पे तुले हुए हो? मैं करुणा को प्यार करता, बेहद प्यार करता हूं। यही तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है। तो इस ट्रेजेडी का अंत क्यों नहीं कर देते आनंद? इस केस को बंद क्यों नहीं कर देते? अपना उठाया हुआ कदम वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां। जिंदगी कैसी विक्रम? शक और अविश्वास के जालों में उलझी हुई जिंदगी को तुम जीना कहो? वो मेरे सीने से लगी होगी, और मेरे दिमाग में बार बार यह सवाल कौन देगा, कहीं वो खूनी तो नहीं, कहीं वो खूनी तो नहीं। नहीं मेरे दोस्त, वो एक ऐसी उलझन होगी जिसमें उलझ कर ना मैं जी सकूंगा ना मर सकूंगा। इससे तो अच्छा है एक ही बार फैसला हो जाए। कैसा फैसला? उसके खूनी होने का आखिरी सबूत लेना होगा, उसके उंगलियों के निशान। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं? अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं? अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे लूटे, चैन मेरा क्यों लूटे?
अरे कौन है भाई, आता हूं। अरे आनंद इस वक्त आओ, आओ अंदर आओ। मेरी बात सुनो, ये ग्लास लो, इस पे कुछ उंगलियों के निशान है, इनके प्रिंट्स मुझे चाहिए अर्जेंट। ठीक है, कल दोपहर तक पहुंचा देता हूँ। आई सेड अर्जेंट, मैं दफ्तर में इंतजार कर रहा हूँ, रिपोर्ट भी साथ लेके आना। मगर इस काम के लिए सुबह के 6 बज जाएंगे। अजीब खपती आदमी है। लो आनंद, प्रिंट्स तैयार हैं और साथ में मेरी रिपोर्ट भी। वहां मेज पे रख दो। देखोगे नहीं? बाद में देख लूंगा। अगर ऐसी बात थी तो अर्जेंट कहकर मुझे रात भर क्यों जगाया? कम से कम सॉरी तो बोल दो एसीपी साहब। तुमने अपना काम कर दिया ना, थैंक्स। कामयाबी पर जाकर करुणा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तो क्या महादेव की रिपोर्ट तुमने देखी नहीं? रिपोर्ट? ये फिंगरप्रिंट्स चांस प्रिंट से बिल्कुल मिलते हैं। ये उन्हीं उंगलियों का निशान है जो उस कैंडल स्टैंड और मेज की तलाश पर थे। घर की खुशियां बर्बाद हो गई तो क्या? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए ड्यूटी सबसे बड़ी चीज है ना। सरकारी गजट में नाम छपेगा, फोटो छपेगी और फिर गोल्ड मेडल हासिल करना कोई मामूली बात थोड़ी है। लेकिन हाँ, अगर उसमें तुम्हें अपने प्यार की लाश दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लेना आनंद। विक्रम, हाथ सेकना हो तो लोग अपने घर को आग नहीं लगा लेते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आनंद, मत कर, मत कर, ये सब मत कर। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर नहीं, तेरा दोस्त हूं। अब भी मेरी बात मान जा, जला दे इन फिंगरप्रिंट्स को,
बंद कर दे इस केस को और भूल जा होटल यूनिक में कभी खून भी हुआ था मेरे दोस्त, भूल जा, तुमसे कहता हूँ भूल जा, भूल जा। हमारे घर की बहू और इम्पॉसिबल, ये सब अफवाह है, झूठ है। उंगलियों के निशान कभी झूठ नहीं बोलते सर। कैसे हो गया आनंद? भैया के दिल पर क्या हमारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी, ये केस हमारे हिस्से आना था। ओ गॉड, सर करुणा को गिरफ्तार करना होगा। आई नो हम पुलिस वालों के लिए दूसरों को गिरफ्तार करना कितनी आसान बात है, मगर आज जब अपने घर में हमें भी ड्यूटी इज ड्यूटी, मैं इंस्पेक्टर वागले को गिरफ्तारी के लिए भेज देता हूं। नहीं सर, ये केस मेरा है, गिरफ्तारी मैं ही करूंगा। मिल जाता। मैं सोच रही थी अगर तुम घर जल्दी वापस आ जाओ तो मैं तुमसे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, एक तो गलती करते हो उस पर गुस्सा भी। कितने मासूम बनते हैं। ए सीपी साहब, आज तुम्हारी शरारतों की सारी पोल खुल गई है। तुम डैडी बनने वाले हो। क्यों तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? मैं तुम्हें ब्रिजभूषण के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना है। मुझे क्या पता था जिसे मैं गंगा जल समझता रहा वो गंगा जल नहीं, झूठा पानी है। मेरी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ तुमने क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया? दादी तुम क्यों रो रही हो? अंकल दादी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। चाचा दादी क्यों रो रही है? चाचा चाची दादी को चुप कराओ ना। माची इंस्पेक्टर। नहीं चाची नहीं, चाचा कहाँ ले जा रहे मेरी चाची को, क्यों हाथ कड़ी लगा रहे? चाची छोड़ दो मेरी चाची को, कहाँ ले जा रहा मेरी चाची को, छोड़ दो, मैं नहीं जाने दूंगा, छोड़ दो मेरी चाची को, छोड़ दो, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं नहीं जाने, साहेब मैं नहीं जाने दूंगा, कहाँ ले जा रहे हो? चाचा चाचा वो ले जा रहे, चाचा चाचा उन्हें रोक दो, चाचा रोक दो, चाची 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 छोड़ दो मेरी चाची को, चाची चाची
I shall be highly obliged if you could please send me the true copy of. Hello. दादाजी, वो लोग चाची को पकड़ कर ले गए। क्या मुन्ने को कौन किसको ले गया? पुलिस वाले चाची को हथकड़ी लगा कर ले गए। अरे क्या कर रहे हो मुन्ने? तुम जल्दी आओ दादाजी। तेरे चाचा नहीं है वहाँ? हाँ है, वो भी कुछ नहीं कह रहे। दादी जी रो रही है। तुम मेरी चाची को लेकर जल्दी आओ ना दादाजी। अच्छी बात है, मैं अभी आया। मैं कल देखूंगा आपके घर से। अभी आप लोग जाइए। दादाजी दादाजी, पुलिस वाले चाची को ले गए। चलो लक्ष्मी, ये सब कैसे हुआ? बहू कहां है? तुम बोलती क्यों नहीं? आनंद कहां है? आनंद, आनंद, बहू कहां है? मैंने पूछा बहू कहां है, तुम बोलते क्यों नहीं? तो ये सब सच है? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ, मेरी गैर हाजिरी में, तुम्हारी मर्जी से हुआ? मैं पूछता हूं, इस घर में पुलिस लाने की हिम्मत कैसे तुम्हारी? किसने वारंट इशू किया, किस जुर्म के लिए? वो खूनी है। क्या? हाँ, शादी की रात उसने अपने पिछले प्रेमी ब्रजभूषण का खून किया। आनंद, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम गलत नहीं है पिताजी। ये तुम कैसे कह सकते हो? हमारे पास गवाहियां हैं, सबूत है कि शादी की रात वो ब्रजभूषण के कमरे में गई थी। उसके शाल का वो फटा हुआ टुकड़ा हमारे पास है, जो होटल जाते वक्त उसने ओढ़ा हुआ था। वो कैंडल स्टैंड हमारे पास है, जिसे ब्रजभूषण की जान ली गई थी। उस पे करुणा के उंगलियों के निशान मैंने अपनी आंखों से देखे। काश ये सब देखने से पहले मेरी आंखों की रोशनी चली जाती। कभी कभी जी में आता है इस बदनामी और बेइज्जती की जिंदगी जीने से मौत अच्छी है। सारी जिंदगी घुट घुट के मरने से क्या फायदा? मां, बाहर निकलूंगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे, आवाजें कसेंगे, मजाक उड़ाएं। मजाक तो तुम उड़ा रहे हो अपना। एक तरफ उसके लिए आंसू बहा रहे हो और दूसरी तरफ उस मासूम को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। वो मासूम नहीं है पिताजी। आनंद, मुजरिमों से मेरा वास्ता उतने साल से जितने तुम्हारी उम्र नहीं। खूनियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनकी हरकतें देखी हैं, उनकी आंखें पड़ी, उनकी सांसों को तार चढ़ाव महसूस किया, और तुम मुझे सिखा रहे हो कि खूनी कौन और कौन नहीं। मेरा अनुभव कहता है करुणा निर्दोष है, और मुझे अपने अनुभव पर भरोसा है। बात की चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, इतनी से भी आंच नहीं आने दूंगा अपनी बेटी पर। सुनो बेटी, एक बात बताओ मुझे, तुमने उसका खून क्यों किया? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया था? नहीं पिताजी, मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। संबंध नहीं था और तुम उसे प्यार भरे खत लिखती रही? नहीं, मैंने उसे कोई खत नहीं लिखे। कोई खत नहीं लिखा? नहीं। वैसे इसका मतलब है किसी और के खत थे जो तुम वहां से लेने गई थी। किसके खत थे बेटी, बताओ बेटी, किसके खत थे? बेटी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहती हो तो ये राज हम दोनों में ही रहेगा। नहीं पिताजी, मैंने किसी को वचन दिया है। ऐसे ठीक है बेटी, इस पर दस्तखत कर दो वकालतनामे पर, और इस पर जो चाहे लिख दो। तुम्हारी लिखाई का नमूना चाहिए मुझे। भैया, मिस्टर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। मैंने जमानत मंजूर करवा ली है और करुणा को लेने आया हूं। लेकिन आप बैठिए तो सही। भैया मत कहो भैया मुझे, मेरा कोई भाई नहीं। अदालत में रिमांड मांगते हो। सारा पुलिस डिपार्टमेंट एक मासूम लड़की को फांसी पर चढ़ा देना चाहता है। कर लो कोशिश, तुम सबसे जो कुछ बने कर लो, मैं भी देखता हूं ऐसा कौन सा कानून है जो एक निर्दोष लड़की को सजा दे देगा। भैया उमेश,
तुम सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो और कुछ नहीं, तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, करुणा तुम्हारी कोई नहीं। भैया, या खून को खून से जुदा कर दूं, क्या करुणा को बहू कहने का अधिकार मुझसे छीन लोगे? बस, मैं करुणा को घर ले जाता हूं, तुम इंस्ट्रक्शन दे दो उसे रिहा कर दे। बेटे, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया, ये फल ही खा लो। खा लो ना चाचा, नहीं तो दादी भी नहीं खाएंगी। नहीं मां, जी नहीं करता। जीतू, सामान उतारो कार से। ये सब हुआ कैसे माता जी? सुबह पेपर पढ़ा तो विश्वास ही नहीं हुआ, उसी वक्त यहां के लिए चल दिया। भैया, ये सब क्या हो गया? ये तुमने कैसे होने दिया भैया? करुणा को वापस ले आओ तुम, करुणा को वापस ले आओ भैया। रो मत करुणा, ये खोने के लिए आंसू नहीं बहाते। भैया, तुम भी उसी को दोष दे रहे हो, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो निर्दोष है भैया। माजी, 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 बड़े मालिक बहुरानी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। कमला, मुन्ना, लक्ष्मी, देखो किसे लाया हूँ। चाची, चाची, मुन्ना जी। अरे दीपक, तुम कब आए? कमला जी, अपनी भाभी से नहीं मिलोगी? कमला बेटी, जा बेटी बहू को ऊपर ले जा। ये सब मैं क्या देख रहा हूं? बहू घर आई है और सब लोग मुंह फुलाए खड़े हैं। बहू कैसी? वो एक खूनी है और खूनियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। बस अब और मुझसे नहीं देखा जाता। भैया तेरे चरित्र पर कलंक लगाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि वो खत मैंने लिखे थे, ब्रिज के साथ मेरा संबंध था। नहीं कमला, तू ऐसे नहीं कहेगी। क्यों नहीं? मेरी ही एक भूल की वजह से तू आज जिंदगी की इस मोड़ पर आ खड़ी है। अब तू क्या चाहती है? मैं दूर ही दूर से बस देखती ही रहूं? कमला, मेरे इस बड़े अपराध पे तू अपनी छोटी सी भूल को हमेशा के लिए खो जाने दे, जल जाने दे सब कुछ। देखने वाले सिर्फ धुआं ही उठता देखेंगे, कोई नहीं जान पाएगा किसकी वो आग थी, किसका धुआं। इसी में सबकी भलाई है। करुणा, तू औरत नहीं, देवी है, देवी। आपको अगर वो देवी नजर आती है तो एक मंदिर बनवा दीजिए अपनी बहू के लिए, मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। ये घर तुम अपने बाप से लेकर आए थे दहेज में, 30 साल खून पसीना एक करके घर बनाया है मैंने, लेकिन अब इस घर की दीवारों से नफरत की बू आने लगी है, इसलिए मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहता। आओ, तुम जल्दी नीचे आओ। एक बात याद रखना लक्ष्मी, एक पराई बेटी के साथ तुम लोग जो सुलूक कर रहे हो, भगवान न करे तुम्हारी बेटी कमला के साथ ऐसा हादसा हो और उसके ससुराल वाले उस कमला की बात मत कीजिए पिताजी। अगर मुझे पता चले कि मेरी बीवी बदचलन और खूनी है तो मैं उसका साया तक देखना पसंद नहीं करूंगा। तुम मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहे हो दीपक। आप भी तो असलियत से आंखें चुरा रहे हैं पिताजी। दीपक ठीक ही तो कहता है, पूछे अपनी बहू से, क्या उसने ब्रजभूषण को वो प्यार भरे खत नहीं लिखे? क्या उस रात वो होटल यूनिट नहीं गई थी? तुम्हारे सवालों का जवाब देना पड़ा तो मैं अदालत में दूंगा। और मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, यह रहा करुणा की लिखाई का नमूना। अच्छा होता उसके चरित्र पर दोष देने से पहले इस लिखाई से उस खत की लिखाई मिला लेते। लो, मैं मिला चुका हूं पिताजी। तब भी तुम ऐसे? चलो बहू। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चल बेटे, आओ रो। बैठो बेटी। पिताजी, पिताजी। ये अखबार वाले क्या कह रहे हैं? मैंने बनारस में पढ़ा, एक पल नहीं रह गया। ये सब कैसे हो गया बेटी, ये सब कैसे हो गया?
आप दुखी ना होइए दयाराम जी, बहुत निर्दोष है, मैं साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा इल्जाम होते भी आप मेरी बेटी का साथ दे रहे हैं, आप धन्य हैं जज साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। बेटा आनंद कहाँ है? माफ कीजिए दयाराम जी, मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कह सकता, ये घर हमने छोड़ दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब, ये सब आप मेरी बेटी के लिए कर रहे हैं? करुणा मेरी भी तो बेटी है जज साहब। फिर आप मेरे साथ चलिए, देखिए इनकार ना कीजिए, बहुत छोटा आदमी हूँ, ज्यादा जोर नहीं डाल सकता, हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ। शर्मिंदा ना कीजिए, चलिए आप ही के साथ चलते हैं, चलिए आइए। आ बेटा। ओहो बहू, मैं मानता हूँ ब्रजभूषण ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और आत्मरक्षा में तुम्हारे आंसू उसका खून हो गया, लेकिन उस वारदात का कोई आंखों देखा गवाह नहीं है, इसलिए हमें यह साबित करना है कि ब्रजभूषण जोर जबरदस्ती कर सकता था, यानी वह बच्चलन बदमाश अय्याश आदमी था। और यह साबित करने के लिए हमें उस लड़की की जरूरत है जिसके खत लाने तुम वहां गई थी। इस केस के जीतने और हारने का सारा दारोमदार उस लड़की पर है और तुम उसका नाम नहीं बताना चाहती, आखिर क्यों? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी है, इतना ही जानती हूं कि अपनों की नजरों में तो गिर ही चुकी हूं। अब उस सहेली का नाम बताकर उसकी खुशियां क्यों बर्बाद करूं, उसके घर वालों की इज्जत धूल में क्यों मिलाऊं? तो तुम्हें अपनी सहेली की खुशियों का ख्याल है, अपने बूढ़े बाप की खुशियों का कोई ख्याल नहीं, अपने मैके और ससुराल की इज्जत की कोई परवाह नहीं। ऐसी बात नहीं पिताजी, मैं तो आपकी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान दे सकती हो, लेकिन उसी इज्जत को बचाने के लिए अपनी सहेली का नाम नहीं बता सकती। जज कैलाश चंद्र की बहू खूनी साबित हो जाए, जेल चली जाए, सारे शहर में बदनामी हो, लेकिन तुम अपनी सहेली का नाम नहीं बताओगी? नहीं बता सकती पिताजी, मैं नहीं बता सकती। अपना न सही बहू, अपने पति का सोचो, कितना दुखी है वो, उसके दुखों की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। बहू अपने उस बच्चे का भविष्य का भी सोचो जिसे तुम जन्म देने वाली हो, क्या तुम चाहती हो लोग उस पर उंगलियां उठाएं, कहें कि खूनी माँ का बेटा है? बहू तुम्हारी जगह मैं होता तो जन्म होते ही ऐसे बच्चे का गला घोंट देता। मैंने तो सोचा था करुणा नाम बता देगी और मैं ये केस जीत कर दिखा दूंगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सरकारी वकील हमारे केस की धज्जियां उड़ा देगा। सवाल ये नहीं है योर ऑनर कि मुलजिमा ने ब्रजभूषण का खून किया या नहीं, अब तक की तमाम गवाहियां, तमाम सबूत, यहां तक कि मुलजिमा खुद इस बात को कबूल कर चुकी है कि खून उसी के हाथों हुआ, इसलिए सवाल तो ये है योर ऑनर कि ब्रजभूषण जैसे शरीफ आदमी का खून किन हालात में हुआ। मैं ये पूछता हूं कि अगर मुलजिमा ने खून अपने बचाव के लिए किया था तो क्यों नहीं इसने उसी वक्त अपने आप को कानून के हवाले कर दिया? अगर ये मासूम थी, निर्दोष थी, सच्ची थी, तो फिर डर किस बात का था योर ऑनर? इसने अपना अपराध उसी वक्त स्वीकार क्यों नहीं कर लिया? योर ऑनर कितने बड़े साहस की बात है कि एक लड़की एक मासूम आदमी का सर फोड़कर, उसका खून बहाकर, उसकी जान लेकर बड़ी शांति से, बड़े आराम से आकर अपने शादी के लग्न मंडप में बैठ जाती है, उसे ना किसी कानून का खौफ है ना किसी सजा का, ये जानते हुए योर ऑनर कि उसका होने वाला पति खुद एक सीआईडी इंस्पेक्टर है। लेकिन मुलजिमा की इस फौलादी हिम्मत की दाद देनी चाहिए योर ऑनर कि खून करने के बाद भी ये लड़की मासूमियत का नकाब पहने अपने पति, अपने सारे परिवार के साथ एक आदर्श बहू बनकर रहती रही, और वो भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीनों के महीनों, और वो भी तब जबकि इसे मालूम होता रहा कि पुलिस की तहकीकात किस तरह आगे बढ़ रही है, किस तरह कानून के हाथ इसकी गर्दन के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन ये लड़की योर ऑनर, ये लड़की टस से मस नहीं हुई, इसकी मासूमियत का नाटक चलता रहा। शुरू से ही इतनी होशियार, इतनी चालबाज थी ये लड़की कि अपने बचाव के लिए इसने अपने प्रेम पत्र भी अपने हाथों से नहीं लिखे ताकि भविष्य में ये कहीं फंस ना जाए। उसी चीज का फायदा उठाकर आज इसने अदालत को यह बयान दिया है कि ब्रजभूषण से इसका कोई संबंध नहीं था। यह ब्रजभूषण के पास फकत अपनी सहेली के लव लेटर्स वापस देने गई थी। थोड़ी देर के लिए दलील मान भी ली जाए योर ऑनर तो जाहिर है कि ये दोनों सहेलियां बहुत पक्की सहेलियां होंगी, इनकी दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती होगी, लेकिन यह कहां की दोस्ती है कि एक दोस्त अपनी दोस्ती के लिए
उम्र भर जेल की चार दीवारी में बंद होने को तैयार हो और दूसरी दूर खड़ी उसकी जिल्लत का तमाशा देखती रहे। ये कहां की दोस्ती है योर ऑनर कि एक दोस्त अपनी शादी की रात इतना बड़ा खतरा उठाकर दूसरे दोस्त की इज्जत बचाने की कोशिश में इस मुसीबत में फंस जाती है और दूसरे की दिल में उसकी इस मुसीबत के वक्त काम आने की एक भी भावना पैदा नहीं होती, एक भी इंसानी जज्बा पैदा नहीं होता। नहीं नहीं योर ऑनर, ऐसी कोई दोस्त नहीं हो सकती। मांस और हड्डियों का बना हुआ ऐसा कोई इंसानी जज्ब नहीं हो सकता जो अपने आप को इस लड़की की सहेली मानता हो। ऐसी कोई दोस्त नहीं हो सकती जो इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी देखने के बावजूद भी चुप रहे, खामोश रहे। ऑनर ये तो क्या हुआ आनंद, कमला गिर कैसे गई? बेहोश हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे घर ले जाते हैं। हाँ मैं भी आता हूँ। योर ऑनर मेरी बेटी बेहोश हो गई है, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी जाए। ठीक है, 3 बजे तक के लिए अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। खुर्शीद रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, जल्दी ऑफिस की तरफ घुमाओ। यस सर। दलाल मेरे पर्सनल लेटर्स के फाइल जरा जल्दी ले आओ। यस सर। ब्लड प्रेशर काफी हाई है, लगता किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे देता हूँ, घंटे भर में अगर ब्लड प्रेशर डाउन ना हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आनंद भैया बड़े मालिक का फोन है। क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं? यह कमला की एक पुरानी चिट्ठी और यह अदालत में पेश की चिट्ठी की फोटोस्टेट कॉपी, जरा दोनों की लिखाई मिला के देखो। तो ब्रिजभूषण के साथ कमला का संबंध था। हाँ आनंद, अब समझे कमला क्यों बेहोश हो गई। उसके दिमाग में तो उसी दिन से संघर्ष चल रहा होगा जिस दिन करुणा पकड़ी गई। आज जब सरकारी वकील की दलीलों ने उसकी आत्मा को झुंझोड़ा तो बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। तुम तो जानते हो बेटा, शुरू से ही कमजोर दिमाग की लड़की है। और मैंने इतना बड़ा दोष लगा दिया उस बेचारे पर। कितनी ऊंची हो गई है वो हम सबसे, मैं तो उससे माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा। हाँ बेटे, वो हमारी अपनी इज्जत थी जब तक करुणा बचाती रही। अब क्या पिताजी? करुणा को निर्दोष साबित करने के लिए कमला को अदालत में पेश करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? सोच रहा हूं पिताजी, कमला का नाम दुनिया के सामने ना आए इसके लिए करुणा ने कितने दुख उठाए, कितने अपमान से आज वो सब बेकार। और कोई उपाय नहीं बेटा, दोष हमारी बेटी का है, प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। हेलो, सुनिए कमला किसी तरह भी होश में नहीं आ रही, डॉक्टर की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आप किसी बड़े डॉक्टर को बुलाइए ना। अच्छी बात है, मैं आनंद को भेज देता हूँ। आनंद घर जाओ, तुम्हारे मां कमला के लिए परेशान हो रही है। मिस्टर मेहरा, आपको अभी और कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मेरा आर्गुमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। फरमाइए। योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल अभी अदालत में नहीं है, शायद उनकी बेटी की तबीयत। लीजिए वो आ गए। सॉरी।
कैलाश चंद्र, आप तशरीफ रखिए ताकि कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर कैलाश चंद्र, आर यू ऑल राइट? यस सर, यस सर। योर ऑनर, अभी अभी मुझे एक ऐसे गवाह का पता चला है जिससे इस मुकदमे पर नई रोशनी पड़ सकती है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि उस नए गवाह को पेश करने के लिए मुझे कल तक का वक्त दिया जाए। आपका गवाह कौन है, कहां है? योर ऑनर, मेरा गवाह है। योर ऑनर, मैं एक ऐसा गवाह लाया हूं जिसका बयान ये साबित कर सकता है कि मकदूल ब्रजभूषण एक बदचलन और अय्याश आदमी था। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं मेरे इस गवाह को बयान देने की इजाजत दी जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? स्टेट के खिलाफ गवाह पेश कर रहे हो? मत भूलो तुम सरकारी नौकर हो। नौकरी की बात मत कीजिए वकील साहब। इंसाफ के रास्ते में अगर मेरी नौकरी आती है तो अभी इसी वक्त मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं। योर ऑनर, मैं अदालत से फिर दरखास्त करता हूं कि मेरे इस गवाह को बयान देने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, यह गलत है, अदालत की कार्रवाई के खिलाफ है। आई रेज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन। मिस्टर मेरा, ये बात अदालत के इख्तियार में है कि वो किसी वक्त भी किसी गवाह का बयान ले सकती है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। गवाह बुलाए। थैंक यू योर ऑनर। विक्रम, ये क्या कर रहा है? उषा को यहां ले आया? हाँ अंकल, उषा ने थोड़ी देर पहले ही मुझे सब कुछ बताया। सुनकर मैंने सोचा इस उलझन को सुलझाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। अंकल, लेकिन नहीं अंकल, आप उषा की गवाही लीजिए। उषा प्लीज अंकल, गवाही लीजिए आप। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? उषा कपूर। आप ब्रजभूषण को जानती थी? जी हाँ। कब से? 2 साल से। मैं उसे प्यार करती थी। और वो भी आपसे प्यार करता था? कहता तो वो यही था, पर मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है। कैसा धोखा? हमारा प्यार शराफत के उस हद को पार कर चुका था जो किसी शरीफ कुमारी लड़के को नहीं करना चाहिए। यानी आपका मतलब है कि? मेरा मतलब है कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या ये बात ब्रजभूषण जानते थे? जी नहीं, मैंने उसे कई बार शादी की बात की लेकिन वो मुझे हमेशा टालता रहा। मुझे डर था कहीं मेरे भैया को पता न चल जाए, लेकिन उस शाम मैंने फैसला कर लिया था कि आज उसे शादी के लिए मनवा कर ही रहूंगी। इसलिए 24 मार्च की शाम मैं उसके होटल गई थी। कौन सा दिन? 24 मार्च को। कौन सा होटल? होटल यूनिक। वक्त क्या था? शाम के 7:45। योर ऑनर, यह अदालत नोट करे, 24 मार्च होटल यूनिक, वक्त 7:45। आप जब होटल पहुंचे तो क्या कर रहा था? ब्रेक शराब पी रहा था। मैंने फिर उससे शादी की बात की। उस रात भी मुझे टालने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। ब्रिज, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खा लूंगी। बहुत जहर जहर जहर, तंग आ चुका हूं मैं ये सुन सुनकर। जहर खाने का इतना शौक है तो अपने घर जाकर खा लो, मेरा दिमाग क्यों खाती हो? ब्रिज। उषा, डार्लिंग, आई एम सॉरी लव, लेकिन मेरी जान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाला है। प्लीज तुम घर जाओ, कम ऑन लव। कौन आ रहा है? कोई भी आ रहा है, तुमसे मतलब। अब बिजनेस की बातें भी तुम्हें समझानी पड़ेंगी। कम ऑन डार्लिंग, बी गुड। बी स्टूपिड। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा बिजनेस मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने जरूर किसी लड़की को बुलाया होगा। उषा, तुम उससे भी प्यार का नाटक खेल रहे होगे।
उससे भी शादी के वादे कर रहे होगे। मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं उसे तुम्हारी स्टेट बता कर ही रहूंगी कि... मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मुझे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने कीहोल से देखा। छोड़ दो मुझे। कौन है लड़की जिसके साथ प्रिय जबरदस्ती कर रहा है? मैं दरवाजा खोलना चाहती थी लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने फिर देखा लेकिन मुझे लड़के का चेहरा नजर नहीं आया। तब मैंने दरवाजा पीटना चाहा लेकिन मेरे हाथ रुक गए। मैं डर गई कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, सबको मेरे भेद का पता चल जाएगा। तीसरी बार मैंने देखा। उसके माथे से खून बह रहा था और वो झूले पे गिर पड़ा। और अगले दिन जब मुझे पता चला कि ब्रिज मर गया है तो एक तरह से खुशी हुई मुझे। ब्रिज जैसे कमीने आदमी का यही अंत होना चाहिए था। मिस्टर मेहरा, मिस कपूर, अभी आपने अदालत से कहा कि आप ब्रजभूषण से प्यार करती थी, क्या इसका कोई सबूत आप दे सकती हैं? मेरे ख्याल से ये फोटो इस सबूत के लिए काफी होंगे। मिस कपूर, अभी अभी आपने कहा कि ब्रजभूषण ने आपको बाथरूम में बंद कर दिया था। जी। तो बाथरूम से आप बाहर कैसे आईं? क्या पुलिस ने आपको बाहर निकाला या होटल वालों ने आपकी मदद की? कैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं आप? अगर पुलिस वाले या होटल वाले मुझे बाहर निकालते तो क्या आपको बताना चलता? मिस कपूर, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए, आप बाथरूम से बाहर कैसे आईं? आप अगर होटल यूनिक का सूट नंबर 417 देखें तो आपको पता चलेगा कि उस बाथरूम का दूसरा दरवाजा भी है जो उस वक्त मेरी तकदीर से खुला हुआ था। आई सी। मिस कपूर, अभी आपने कहा था कि आप ब्रजभूषण के बच्चे की मां बनने वाली थी, आप दोनों के प्यार की वो निशानी इस वक्त कहां है? वो अगर प्यार की निशानी होता तो आज जिंदा होता वकील साहब। अप्रैल में मैं अपनी मौसी के पास कानपुर गई हुई थी। एक दिन अचानक सीढ़ियों पे से पैर फिसल जाने से आप अगर चाहे तो हरप्रसाद नर्सिंग होम कानपुर से इसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। कोई और सवाल? That's all, Your Honor. मिस कपूर, बड़ी अदालत में आपने अपनी जो मुझे कहना चाहिए शर्मनाक कहानी सुनाई उसे आप आसानी से छुपा सकती थी। आप एक इज्जतदार घराने की लड़की हैं, मैं पूछ सकता हूं आपने जानबूझकर बदनाम होना क्यों पसंद किया? अदालत में आकर अपने आप को बदनाम करवाना कोई आसान काम नहीं था मेरे लिए। बड़ा संघर्ष करना पड़ा मुझे अपने आप से, लेकिन जब रोज यहां बैठकर सरकारी वकील की जबान से ब्रिज की शराफत और नेकियों के गुणगान सुनती थी तो जी चाहता था कि उसी वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह दूं कि ये सब झूठ है। ब्रिज को नेक और शरीफ कहकर शराफत का मुकाला मत कीजिए। जज साहब, ब्रिज जैसे हैवान को मार देना कोई जुर्म नहीं, ये तो पुण्य है। मगर मुझे बहुत अफसोस है कि ये पुण्य मैंने क्यों नहीं कमाया। योर विटनेस मिस्टर मेहरा। मुझे और कुछ नहीं पूछना है योर ऑनर। मिस उषा कपूर के बयान ने इस केस को एक नया रुख दे दिया है।
जिससे साबित होता है कि मकतूल ब्रजभूषण निहायत ही बुरे चाल चलन का इंसान था। मासूम और भोली भाली लड़कियों की इज्जत से खेलना उसका एक शौक था। और उस रात को अगर मिसेस करुणा चंद्र ब्रजभूषण से अपने आप को न बचाती तो वो भी उसकी वासना का शिकार हो जाती। उसने जो कुछ किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया, लिहाजा अदालत मुल्जिमा करुणा चंद्र को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती। चाची जी, चाची आ गई, दादाजी उन्हें ले आए। दादी जी, चाची आ गई, मेरी चाची आ गई। इन्हें भी होश आ रहा है। मुन्ना, कहाँ है तेरी चाची? नीचे। कमला कैसी है? ठीक है पिताजी, लेकिन ये कमला के बयान के बगैर करुणा रिहा कैसे होगी? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सुनो, अदालत में कमला का राज राजी रह गया है और आगे भी राज रह जाना चाहिए। तुम्हें भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, समझे? समझे। मुंह क्या देख रहे हो? करो नीचे इंतजार कर रही, जाओ जाओ जाओ। किस्मों से माफी मांगू।